देखिए रिजल्ट में क्या आया होगा, कहा गया था अब इन दोनों इनइक्वलिटीज़ को बराबर करना है। जब आप इन दोनों इनइक्वलिटीज़ को बराबर करके चलेंगे तो ये दोनों इनइक्वलिटी बराबर हो गई, ये आपका बराबर हो जाएगा। जैसे इस इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे ये आएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr। इसका मतलब यू स्क्वायर अपॉन 2gr की वैल्यू आएगी 1। जैसे ही 1 इस इक्वेशन में रखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 0, 1 इस इक्वेशन में रखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब ये थीटा की वो वैल्यू प्रोवाइड करेगी जिस पर, या ये कंडीशन ऐसी प्रोचीज को प्रोवाइड करेगी जिस पे cos थीटा दोनों का वैनिश कर जाएगा, मतलब v और r दैट इज़ वेलोसिटी और रिएक्शन दोनों एक साथ वैनिश कर जाएंगे, दोनों उस पॉइंट पर एक साथ ज़ीरो हो जाएंगे। इस कंडीशन को उतार लीजिए, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr। जैसे ही यू स्क्वायर 2gr के बराबर होता है cos थीटा ज़ीरो हो जाएगा, दैट इज़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कंडीशन आपको थीटा इज इक्वल टू 90 प्रोवाइड करती है, मतलब ये कंडीशन वो कंडीशन होगी जब पार्टिकल हमारा हॉरिजेंटल डायमीटर में पहुंच जाएगा। केस वन में आपने देखा था कि यू स्क्वायर अपॉन 2gr लेस देन 1 आ रहा था, दैट मीन्स दोनों ही इक्वेशन में 3 और 4 में cos थीटा पॉजिटिव आ रहा था। कॉस थीटा पॉजिटिव होने का मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 से 90 के बीच में होता है, मतलब थीटा की वैल्यू इन बिटवीन 0 टू 90 हो जाएगी। दैट मीन्स थीटा कंसिस्ट द वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल, थीटा एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करने का मतलब वो इस हॉरिजेंटल डायमीटर के ऊपर नहीं जाएगा, हॉरिजेंटल डायमीटर के नीचे नीचे ही मोशन को करेगा। मान लीजिए हॉरिजेंटल डायमीटर के नीचे नीचे यहाँ तक पार्टिकल आया, यहाँ पर आकर के वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, वेलोसिटी ज़ीरो हो गई ड्यू टू ग्रेविटी, वो वापस आना शुरू होगा। जैसे जैसे वापस आएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, यहाँ पर आके वापस से वेलोसिटी यू हो जाएगी। चूँकि इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से फिर ये अदर देन इधर की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक उतनी ही डिस्टेंस जाएगा जितनी डिस्टेंस यहाँ पर असेंट किया था, यहाँ तक पार्टिकल गया, फिर वेलोसिटी ज़ीरो, फिर वो वापस नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, मतलब पॉइंट ए के इधर उधर बार बार अपने मोशन को दोहराएगा। इस तरीके के मोशन को कहते हैं ऑस्कुलेटरी मोशन। अब आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि क्या ये ऑस्कुलेटरी मोशन SHM में कन्वर्ट होगा। SHM की केवल एक कंडीशन होती है, x डबल डॉट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x। इस केस में x डबल डॉट माइनस x के प्रोपोर्शनल नहीं है, इसका मतलब ये ऑस्कुलेटिंग मोशन होगा, SHM मोशन नहीं होगा। सेकेंड केस में आपने देखा यू स्क्वायर 2gr के बराबर है, यू स्क्वायर 2gr के बराबर होने का मतलब दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 एंड ऑल्सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, ये दोनों वैल्यू 1 के बराबर होगी, cos थीटा 0 आएगा, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब पार्टिकल हमारा हॉरिजेंटल डायमीटर पर आ करके तब नीचे की तरफ जाएगा। केस वन में हॉरिजेंटल डायमीटर तक अप्रोच नहीं किया था, केस टू में हॉरिजेंटल डायमीटर तक अप्रोच करके रिटर्न हुआ है। तो ये उतारने के बाद लिखिए इसमें, लिखिए इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड पार्टिकल राइज अप टू द हॉरिजेंटल डायमीटर, एंड पार्टिकल राइज अप टू द हॉरिजेंटल डायमीटर, एंड पार्टिकल राइज अप टू द हॉरिजेंटल डायामीटर, एंड देन अगेन द मोशन इज ऑक्सिलेटरी, एंड अगेन द मोशन इज ऑक्सिलेटरी। केस थर्ड में अब हम लोग मानेंगे कि आर पहले वैनिश कर गया और V बाद में वैनिश कर रहा है। अगर R पहले वैनिश कर जाएगा मतलब R इज इक्वल टू 0, V बाद में वैनिश करेगा मतलब V इज इक्वल टू 0, तो R का एंगल कम होगा V का एंगल ज़्यादा होगा।
आर का एंगल कम होगा, वी का एंगल ज़्यादा होगा। इसका मतलब वी का कॉस थीटा आर के कॉस थीटा से लेस देन होगा। वी का कॉस थीटा इक्वेशन नंबर 3 में आपको लिखा है, ये लेस देन होगा आर के कॉस थीटा से जो इक्वेशन नंबर 4 में लिखा है। ये वैल्यू भी लेस देन आएगी, ये वैल्यू लेस देन आएगी, ये वैल्यू लेस देन आएगी, ये वैल्यू लेस देन आएगी, मतलब यू स्क्वायर, यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2gr। इस केस में हम लोग को मिलेगा कि यू स्क्वायर 2gr से ग्रेटर है। जब यू स्क्वायर 2gr से ग्रेटर होगा तो यू स्क्वायर अपॉन 2gr 1 से अधिक होगा। यू स्क्वायर अपॉन 2gr 1 से ग्रेटर होगा, 1 से ग्रेटर मान लीजिए 1.5 हमने ले लिया, तो इस केस में कॉस थीटा की वैल्यू -0.5 आएगी और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। मतलब कॉस थीटा नेगेटिव आ गया। कॉस थीटा नेगेटिव आने का मतलब थीटा हमारा 90 to 180 के क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ASTC यहाँ से यहाँ तक में कॉस नेगेटिव होता है, तो अब हमारा मोशन यहाँ से यहाँ तक के सेक्टर में होगा। मतलब इस केस में पार्टिकल इससे अबव जाएगा, 90 डिग्री से ऊपर की तरफ जाएगा। अब 90 डिग्री से ऊपर की तरफ जाने का मतलब वो पॉइंट बी को क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, अब फर्दर देन हम लोग इस दो केस को डिस्कस करेंगे। पार्टिकल इस पॉइंट से ऊपर की तरफ गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद वो पॉइंट बी को क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, अब उस चीज़ पे डिस्कशन करना होगा। अगर बी को क्रॉस कर गया तो ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे आएगा, अगर बी को क्रॉस नहीं किया तो फिर यहीं से वो वापस रिटर्न आ जाएगा। तो अब इस केस के अंदर दो सब केसेस बनते हैं। दो सब केसेस क्या, कि पार्टिकल बी को क्रॉस कर पाएगा कि पार्टिकल बी को क्रॉस नहीं कर पाएगा। लिखिए उस चीज़ को, लिखिए केस थर्ड। केस थर्ड लिखिए, इफ आर वैनिशेस बिफोर वी इज जीरो, इफ आर वैनिशेस बिफोर वी इज जीरो, then the value of cos theta given in equation 3 is greater than the value of cos theta given in equation 4, that is यहाँ से यहाँ तक उतारिए। नीचे से लिखिए, इन दिस केस थीटा इज ऑब्ट्यूज, इन दिस केस थीटा इज ऑब्ट्यूज देयरफॉर देयरफॉर when u square greater than 2gr
Therefore, when u square greater than 2gr, comma, the particle rises above the horizontal diameter. The particle rises above the horizontal diameter. The particle rises above the horizontal diameter. Then we have the following two subcases. अब दो सब केसेस क्या क्या बनेंगे? एक सब केस बनेगा कि पार्टिकल बी को क्रॉस कर पाएगा, एक सब केस बनेगा कि पार्टिकल बी को क्रॉस नहीं कर पाएगा. अब इन दोनों सब केसेस का हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे. नीचे से लिखिए केस स्मॉल ए. आपने कहा था कि यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू. तो यहाँ पे थीटा कितना होगा? पाई. अब इसी की स्टडी करनी है कि थीटा पाई को क्रॉस कर पाएगा या थीटा पाई को क्रॉस नहीं कर पाएगा. इसलिए सब इस केस से ये तो क्लियर हो गया कि 90 अबव जाएगा. 90 अबव, 180 से बिलो होगा कि 180 से अबव होगा, इस केस को अब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. लिखिए केस स्मॉल ए, सब केस स्मॉल ए. केस की जगह आप डाल दीजिएगा सब केस स्मॉल ए. सब केस स्मॉल ए. लिखिए द पार्टिकल डिस्क्राइब, व्हेन द पार्टिकल डिस्क्राइब द कंप्लीट सर्किल, व्हेन द पार्टिकल डिस्क्राइब द कंप्लीट सर्किल. कंप्लीट सर्किल डिस्क्राइब करने का मतलब ये होगा कि वो थीटा इज इक्वल टू पाई को क्रॉस कर जाएगा. व्हेन थीटा डिस्क्राइब द कंप्लीट सर्किल, ब्रैकेट में लिखिए द पार्टिकल गोज राइट राउंड द सर्किल. द पार्टिकल गोज राइट राउंड द सर्किल, ब्रैकेट बंद, कॉमा, इन दिस केस द पार्टिकल राइजेज अबव द हॉरिजेंटल डायमीटर. इन दिस केस द पार्टिकल राइजेज अबव द हॉरिजेंटल डायमीटर एंड विल डिस्क्राइब द कंप्लीट सर्किल. एंड विल डिस्क्राइब द कंप्लीट सर्किल, फुल स्टॉप. इफ स्मॉल वी एंड स्मॉल आर डू नॉट वैनिश एनीवेयर, इफ स्मॉल वी एंड कैपिटल आर डू नॉट वैनिश एनीवेयर अप टू द हाईएस्ट पॉइंट वेयर थीटा इज इक्वल टू पाई then from equation 1, comma, we have, then from equation 1, comma, we have, equation 1 आपके पास लिखा हुआ है, theta is equal to pi पे velocity को find out करना चाहते हैं. तो theta is equal to pi पे velocity को find out करने के लिए, 1 erase कर दिया मैंने लग रहा है, वन को इरेज कर दिया है. इक्वेशन नंबर वन था हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी आर प्लस टू जी आर कॉस थीटा. थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे? पाई. दिस इंप्लाइज दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी आर कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन माइनस टू जी आर. This implies v square is equal to u square minus 4gr. v square हमेशा greater than 0 होगा. This implies that u square minus 4gr greater than 0 होगा.
दिस इम्प्लाइज यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4gr एंड फ्रॉम इक्वेशन टू ब्लैकबोर्ड पर लिखा है फ्रॉम इक्वेशन टू कॉमा वी हैव इक्वेशन टू से मिलेगा आपको r इज इक्वल टू m बाई r u स्क्वायर माइनस 2gr प्लस 3gr cos pi. cos pi की वैल्यू माइनस 1 r इज इक्वल टू m बाई r u स्क्वायर माइनस 2gr माइनस 3gr. दिस इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू m बाई r u स्क्वायर माइनस 5gr. रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन जीरो. इसको इम्प्लाई करेंगे आप तो मिलेगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वैनिश हो जाएगा, आएगा यू स्क्वायर माइनस 5gr ग्रेटर देन जीरो. दिस इम्प्लाइज यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5gr. अब दो बातें, एक तो यू स्क्वायर 4gr से अधिक होना चाहिए, दूसरी बात यू स्क्वायर 5gr से अधिक होना चाहिए. दोनों को अगर आप कंबाइंड करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन ए एंड बी, कंबाइनिंग इक्वेशन ए एंड बी कॉमा वी हैव, ये कहता है कि 5gr से अधिक, ये कहता है 4gr से अधिक. तो 5gr से अगर हम बराबर या अधिक ले लेंगे तो 5gr से अधिक इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, 5gr के बराबर मतलब 4gr से अधिक. ठीक है, 4gr से अधिक का मतलब 5gr के बराबर हो सकता है, 5gr से अधिक मतलब उसके आगे की वैल्यूज़. तो कंबाइंड करते ही आपको मिल जाएगा u स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5gr. उतारिए इतना. नीचे से लिखिए, देयर फोर द पार्टिकल गोज राइट राउंड द सर्किल, देयर फोर द पार्टिकल गोज राइट राउंड द सर्किल इफ यू स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5gr. इफ यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5gr फुल स्टॉप. ऑल्सो इफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5gr, also if u square is equal to 5gr, then jaisi u square 5gr ke barabar hoga, u square 5gr ke barabar hoga, r kya ho jayega, zero ho jayega. also if u square is equal to 5gr, then capital r, r dhyan rakhiyega, दो आर है इसमें, एक स्मॉल आर रेडियस, एक कैपिटल आर रिएक्शन, देन कैपिटल आर वैनिशेज एट हाईएस्ट पॉइंट,
देन कैपिटल आर वैनिशेज एट हाईएस्ट पॉइंट बट वी डज नॉट स्मॉल वी डज नॉट फुल स्टॉप. Therefore, capital R vanishes at the highest point. Therefore, capital R vanishes at the highest point for a moment, and motion will persist. PER SISTS persist. Persist का मतलब होता है motion बदल जाना. देखिए R zero होने का मतलब particle यहाँ से इसको छोड़ के भागेगा और V zero होने का मतलब particle इसी surface पे नीचे भागेगा. R reaction particle को surface पे दबाए रखने का काम करेगा लेकिन V इसको आगे बढ़ाने का काम करेगा. तो अगर यहाँ V zero हो गया तो ये इसके circumference पे और ऊपर ना जा करके नीचे गिरेगा लेकिन यहाँ R जीरो हो गया तो ये इसके सरफेस को छोड़ करके बाहर भागेगा. ये दोनों डिफरेंस है R और V के वैनिश करने पे. इस आर्टिकल में R वैनिश हो रहा है मतलब पार्टिकल बाहर भागने की कोशिश करेगा, परसिस्ट कर जाएगा ये मोशन. एंड द मोशन विल परसिस्ट PERSISTS परसिस्ट बिकॉज V डज नॉट वैनिश एट द हाइएस्ट पॉइंट full stop. Hence particle goes right round the circle. When u square greater than or equal to 5gr. फिर हेडलाइन डालिए सब केस बी. मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से मोशन शुरू किया, यहाँ तक तो आ गया, यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, इसके पहले ही वो सरफेस को छोड़ दिया. तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कौन सा कर्व ट्रेस करेगा? यहाँ से यहाँ तक पैराबोला, मतलब इस केस में पार्टिकल पैराबोला को बनाता है. लिखिए इफ यू स्क्वायर ग्रेटर देन 2gr, सॉरी सब केस बी में लिखिए द पार्टिकल लीव्स द सर्किल एंड डिस्क्राइब अ पैराबोला. If u square greater than 2gr, and u square less than 5gr, full stop. In this case, Particle rises above the horizontal diameter. In this case, particle rises above the horizontal diameter. And capital R vanishes at some point. before the highest point. Full stop. Hence the particle leaves the curve. At the some point, मतलब इसी के बीच में पार्टिकल कहीं पे भी सर्किल को छोड़ देगा.
हॉरिजेंटल डायामीटर के ऊपर और वर्टिकल डायामीटर के पहले. हेंस द पार्टिकल लीव्स द कर्व एट अ पॉइंट अबव द हॉरिजेंटल डायामीटर एंड बिफोर द हाइएस्ट पॉइंट फुल स्टॉप. इन दिस केस इट विल मूव अंडर ग्रेविटी एंड डिस्क्राइब अ पैराबोला. ये पूरा आर्टिकल आपका ख़त्म.